हाँ जी, अभी जो हमने काम किया है इस क्वेश्चन को इन दो मेथड के थ्रू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने एग्जांपल को भी सॉल्व किया और आपने ठीक सॉल्व किया। आपके पास जो दो आंसर आ रहे थे, एक 1000 है और एक आपके पास 1125 है। तो हम फाइंड आउट ये बताना ये चाहेंगे कि जो आपके पास जिसपे मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो आपके पास ए इंटू बी सी है। तो प्रिंसेस का आर्डर आप ये रखेंगे तो आपके पास बी में ऑपरेशन के थ्रू आप ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास अब 4 मैट्रिसेस हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इन 4 मैट्रिसेस को हम जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक लिखा हुआ जी कि आपके पास इतने मेथड हो सकते हैं। प्रीवियस वन जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें आपके पास 3 मैट्रिसेस थे, और 3 मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड थे। यहाँ आपके पास जो मेथड गिवन है वो मोर देन 2 है, 5 मैट्रिक ऑर्डर है। आप खुद ऑर्डर बना सकते हैं, आप इसको देख के, ये भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, अगर जो हो सकता है कि इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई मेथड आए, आपको लगे कि इस मेथड के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सबको कवर किया जाए। तो इस तरह से आप लोगों को उसको देख सकते हैं, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास बेस्ट वन मिनिमम सॉल्यूशन बनेगा वो आप कहेंगे जो आपके पास जो है ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब जो हमारा काम है वो उसकी तरफ हम आते हैं। ये तो हमने अभी तक जो है स्टोरी बिल्डिंग ही की है ताकि आपके बेसिक बन जाए। ये बेसिकली हमारा काम है जिसको आप लोगों ने इसको देखना है और इसके साथ एग्जांपल जिसको आपने करना है। आपके पास 4 मैट्रिसेस हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हर मैट्रिसेस का अपना एक साइज गिवन है, ऑर्डर गिवन है, साइज गिवन है। इस मैट्रिक्स का साइज है 5 इंटू 4, इसका 4 इंटू 6 है। जो आपके पास नेक्स्ट वन है उसका 6 इंटू 2 है, जो उससे नेक्स्ट वन है उसका आपके पास 4 2 इंटू 7 है। इस तरह से साइज लिया गया है ताकि तमाम मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके, जो हमें रूल पढ़ा था मल्टीप्लाई करने का उसके मुताबिक ही हो। तो ये फिलहाल जो आपको गिवन है ये सारा उसके मुताबिक ही है। अब हमने जो इसके प्रिंसिपल्स पढ़े, फीचर्स पढ़े, कि मैट्रिक्स के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं, और जब कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो टेबल की वैल्यू को रीयूज कर लेते हैं, और जो भी जितने भी चीजें पढ़ी थी, अब बेसिकली हम उसको कहीं ना कहीं से अपने उस बात को प्रूव कर रहे होंगे कि हमने सही बातें को पढ़ी है। सबसे पहले हम A1 मैट्रिक्स का कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कॉस्ट की जब बात करूं या नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात करूं तो वो दोनों की सेम बात है। अब आपके पास A1, A1 जो है इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जो मैट्रिक्स क्या है 1 इंटू 1, ये टेबल हमारे एक बनाया हुआ है। इस टेबल में आपके पास रोज एंड कॉलम्स हैं फॉर ताकि आप लोगों को, हम पहले डायगोनल फिलिंग करेंगे फिर हम इसका अबाउट फिलिंग करेंगे, आपको समझ आएगा कि हम बेसिकली काम कर कैसे रहे हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 इंटू 1, इसको क्योंकि नो मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कॉस्ट है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो यहाँ परफॉर्म होंगे वो 0 है। A2 को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, A2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो A2 को इस मैट्रिक्स को किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट A2 का हम कॉस्ट देखना चाह रहे हैं, इसकी भी 0 है। इसी तरह से आपके पास A3 की भी 0 है, A4 की भी 0 है, मैट्रिक्स की 4 इंटू 4 की। अब आपके पास ये डायगोनल के अंदर हमने सारे 0 फिलिंग कर दिए कि आपके पास ये 0 साइज का 0 कॉस्ट आएगी ऑपरेशन की। अब हम जो काम करने लगे हैं, हम करने ये लगे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले A1 और A2 इसको मल्टीप्लाई करने लगे। अब मैंने क्या लिखा हुआ, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है 1 2, 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो। A1 लिखा, A2 लिखा, A1 का साइज गिवन है, A2 का साइज गिवन है। जैसे हमने पीछे काम किया वैसे ही दोनों को हमने
इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने मल्टीप्लाई किया 5 × 4 × 6, आपके पास 120 साइज आया। अब आप 1 × 2 का साइज क्या है ये देखें, 1 ये ऊपर आपके पास 2 भी बना, रो एंड कॉलम देख रहे हैं, 1 और 2 का साइज कॉस्ट जो आपके पास 120 या 120 मैंने वहां लिख दिया। तो हम काम जो करना चाह रहे हैं, हम मैट्रिक्स 2 3 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 2 का साइज क्या था 4 × 6, 3 का साइज क्या है 6 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 6 × 2, ये एक डिमेंशन है 6, इसलिए एक वंस इसको कंसिडर किया है। अब आपके पास ये साइज आ रहा है 2 × 3 का 48। अब इसमें तो मिनिमम का सिनेरियो नहीं था, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है डायरेक्ट आपने इंसर्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। हमने 48 इंसर्ट कर दिया, तो 2 × 3 मैट्रिक्स का जो साइज आपके पास आ रहा है वो 48 आ रहा है, हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ओके, अब 3 × 4 इसको हम देखें, जब मैट्रिक्स 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जो साइज हम मैट्रिक्स का लिया हुआ था ये 2 था, इसलिए आपके पास जो है कोई मिनिमम की ऑप्शन ही नहीं बन रही थी। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका मेथड ही एक है, उसमें कोई प्रिंसेस आप यूज ही नहीं कर सकते कि जो पहले इसको कर लें बाद में इसको कर लें, एक ही मेथड है, इसलिए आपके पास एक ही आंसर आ रहा है, वही आंसर को हम इंसर्ट करते चले जा रहे हैं। इसका साइज गिवन था, इसका साइज गिवन है, हमने मल्टीप्लाई किया, ये 84 इसका हमारे पास आंसर आ गया, 3 × 4 का 84 हमने लिख दिया। अब हम ये करने लगे हैं कि अब हमने कहा कि नहीं, अब इसको हम मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। इस तरह से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कैसे, हमने कहा जी 1 × 3 कि हम मैट्रिक्स 1 को, मैट्रिक्स 2 को, मैट्रिक्स 3 को इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने के हमने कहा इस तरह के 2 मेथड हो सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि जी हमारे पास पहले हम A2 और A3 को पेंसिल में लेकर इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर A1 को कर लें, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें A1 A2 को, उसको मल्टीप्लाई करें A3 के साथ, और इस तरह से भी हम काम जो है उसका कर सकते हैं। उसको अब देखने लगे हैं, इसको अब आपने केयरफुली देखना है, इसमें एक तो पॉइंट्स है जो कि आपको समझने वाले हैं। हाँ जी, ये मैंने ऐसे लिख लिया, अब मैं करूंगा क्या कि ये जो मेरे पास A1 है, A1 का साइज गिवन था, प्रीवियस साइज गिवन था, मैंने लिखा था 5 × 4, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे आकर लेके जाऊं तो A1 का साइज गिवन है ये 5 × 4, तो वही साइज मैंने उठा के यहाँ साइज लिख दिया 5 × 4, A2 का लिख दिया, A3 का, ऐसे मैंने साइज लिख दिया। पहले आप इसको समझे, इसको अब ये जो A1 है ये बेसिकली मैट्रिक्स कौन सा है, पहला मैट्रिक्स है 1 × 1, इसकी क्या वैल्यू पहले हमने को फाइंड